जी अस्सलाम वालेकुम। इस 17वीं वीडियो में ब्लॉगिंग कोर्स के मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू राइट इफेक्टिवली बाय टॉकिंग अबाउट हाउ टू और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स। अब हाउ टू या गाइड्स या ट्यूटोरियल्स कितना करदार अदा करते हैं किसी ब्लॉग की व्यूअरशिप पे, इसका अंदाज़ा मुझे आज से 4 साल पहले हुआ जब एक दोस्त मेरे पास आए, ब्लॉगर थे, और मुझे कहते हैं हशाम भाई सबसे अच्छा तरीका है कि आप हाउ टू के बारे में लिखें, बिकॉज गूगल भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा जल्दी इंडेक्स करता है और लोग भी ऐसी इंफॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं। तो मैं जब हाउ टू के बारे में लिखता हूँ, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा, वो व्यूअरशिप और एंगेजमेंट एक मुख्तलिफ लेवल की होती है एज कम्पेयर टू अ ब्लॉग विच पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी या मेरा ओपिनियन। पर हाउ टू का मतलब है कि आप किसी को सिखा रहे हैं, गाइड का मतलब है कि आप किसी को ट्यूटोरियल दे रहे हैं ना कि यार ये काम कैसे होता है। अच्छा, अब हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की कि अच्छा क्या लिखना होता है। एक बात तो तय है कि आप वो लिखें जो ऑडियंस चाहती है, उनके जूते में पाँव डाल के फिर सोचें कि आप एज एन ऑडियंस, आप एज ए रीडर किस तरह का कंटेंट पढ़ने को तरजीह देते हैं। राइट व्हाट सेल्स, राइट, एंड दैट मेक्स सेंस। डू व्हाट द ऑडियंस वांट्स। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लीजिएगा, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। अभी ये गूगल किया मैंने, हाउ टू ऑर्डर ऑन फाइवर, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल फ्रीलांसर, हाउ टू स्टार्ट योर ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाउ टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर। सिर्फ मैंने लिखा beingguru.com पे हाउ टू। आप भी ये तजर्बा करके देखें। सर ये एक एक पोस्ट हजारों हजारों लाखों लाखों व्यूज इनमें से बहुत सारी करके गई हैं, क्योंकि ऑडियंस को जेहन में रखा है, ऑडियंस सीखना चाहती है। मुझे अगर मैं इनमें से कोई रैंडम पिक करूं, जैसे हाउ टू कैंसिल एन ऑर्डर ऑन फाइवर, इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट, 9.7 यानी कि 9000 दफ़ा ये व्यू हुआ है। मैं बैक जाता हूं जी, बैक जाने के बाद हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर, इस पे जब मैं क्लिक करता हूं जी, तो ये मुझे नज़र आती हैं तकरीबन, लोड होने दीजिए। अच्छा, ये ऑर्गेनिक इंडेक्स हुआ है, हाउ टू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, 14,900 प्रीसाइसली। सर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि टाइटल देखिए, 3 अमेजिंग स्ट्रेटजीज टू हेल्प यू मेक $10K, और यूआरएल में मैंने लिखा है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। एंड इन दिस ब्लॉग पोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकते हैं। 3 पॉइंट्स मैंने बताए कि आप टाइम को ऑर्गेनाइज करें, आप काम को मैनेज करें, और आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं बार बार बात करता हूँ कि अगर आप को काम कर रहा है ना तो डिस्ट्रैक्शन हटा दें, और डिस्ट्रैक्शन हटाएंगे तो फोकस स्टार्ट हो जाएगा। सर ये हाउ टू इतना मज़ेदार तरीका है कि ऑटोमेटिकली चाहे आपका ब्लॉग 1 घंटे का भी नवा नकोर क्यों ना हो, ऑनलाइन रीडर कुकड़ पर फंसा लेगा। सर आप जो भी लिखेंगे, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में ट्यूटोरियल है, आजकल मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं शाम में बताए ना कि आप किस सॉफ्टवेयर से वीडियो शेयर करते हैं, अब मैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल लिख दूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड योर वीडियोज, शेयर योर स्क्रीन फॉर यूट्यूब वीडियोज, वायरल। मैं बोलूँ हाउ टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर, वायरल। हाउ टू गेट मोर यूट्यूब व्यूज, ऑलरेडी ट्रेंडिंग आ रही है। हाउ टू डू ब्लॉगिंग, बाय द वे इसका लिंक टॉप पे पड़ा हुआ है, इसको चेक कर लेना। हमने एक लाइव सेशन किया था, बड़ा कामयाब किस्म का, बहुत सारे लोगों ने सराहा, जहाँ पे मैंने रियल टाइम लाइव एक पूरी ब्लॉग पोस्ट डाली और बताया कि कैसे बैकएंड में कीवर्ड रिसर्च करने हैं, कैसे आपने मेटा टैग्स डालने हैं बाई यूजिंग अ प्लग इन ऑल इन वन SEO, टाइटल की इंपॉर्टेंस। हमने बड़ा तफसीलन ये भी डिस्कस किया कि कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ढूंढा जाए।
अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात हो ही चली पड़ी है तो यहाँ पे भी वही काम किया जा सकता है ना भाई। आप जाएं और मिसाल के तौर पे मैं एक साइट है आपको हमेशा बोलता हूँ, buzzsumo.com। buzzsumo पे जाएं और यहाँ पे लिखें हाउ टू के बारे में जो आप फाइंड करना चाहते हैं। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट सर? मैं सर्च करता हूँ जी। सो आई होप कि ये लॉगिन की रिक्वायरमेंट के बगैर ही मुझे विदाउट वेस्टिंग टाइम दिखा दे कुछ, एंड आई थिंक आई एम गुड हेयर। सर ये आपके सामने कुछ ट्रेंडिंग पोस्ट हैं जो नज़र आ रही हैं, बाकी के लिए साइन अप करना पड़ेगा। फोर वेज टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फास्ट फ्रॉम होम, वाई वुड यू री इन्वेंट द व्हील, जस्ट कॉपी इट, थोड़ा सा ट्विस्ट करें और इसके बारे में लिखें। हाउ टू स्टार्ट मेकिंग मनी विद एफिलिएट मार्केटिंग, अनदर ग्रेट टॉपिक फॉर यू। हाउ टू ट्यूटोरियल्स, याद रखिएगा कि ये बेस्ट तरीका है क्योंकि आप किसी को गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक और तरीका ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने का। देखो एज अ राइटर आपने सिर्फ अटेंशन ग्रैब करनी है कि पढ़ता रहे। कुकड़ जो है ना, जो मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ, वो आपके कंटेंट से हुक्ड अप रहे, आपकी प्रोडक्ट खरीदे। अब अगर आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, इसी के इर्द गिर्द आप एक बैनर के थ्रू अपनी प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, इसी के बीच में भी बैनर रख के प्रोडक्ट बेच सकते हो। आना चाहो तो हजार तरीके है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चनेयर इन योर ब्लॉग पोस्ट। आई होप दिस वीडियो वुड सॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम। स्टार्ट राइटिंग बाय टीचिंग पीपल, उनको गाइड्स दें, उनको ट्यूटोरियल्स दें, उनको बताएं कि ये काम कैसे होता है। मेरी एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई, हाउ टू गेट ब्लू टिक ऑन फेसबुक, सर्च करके दिखा देता हूँ बिफोर आई लीव। अब हाउ टू गेट ब्लू टिक ऑन फेसबुक, अब हर एक को शौक है सर कैसे मुझे ब्लू टिक मिलेगा। हाउ टू गेट वेरीफाइड ऑन फेसबुक, अब यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ये 11,000 व्यूज करके गई है और बड़ी बेहतरीन लोगों को मैंने तरीका बताया कि जी मेरी प्रोफाइल कैसे वेरीफाई हुई। सर मैंने तो थोड़ा सा एक सेक्शन लिखा, काम चोर आदमी हूँ, आपने ब्लॉग चलाना है तफसीलन गाइड लिखें और फिर आप देखें कि कैसे आप कामयाब नहीं होते। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।